हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आलू टिक्की चाट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सभी की फेवरेट होती है और ये बनाने में भी बहुत आसान होती है। तो आइए हम देखते हैं आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आलू टिक्की की चाट बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉयल करके नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और उसके बाद पील कर लिया था। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। आप इसको मैश भी कर सकते हैं। और ये मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये मैंने 1/2 कप हरा धनिया लिया है, इसको बारीक काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, इनको भी बारीक काट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और इसकी चाट तैयार करने के लिए मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मैंने दही लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून शक्कर मिला दी है। और ये मैंने हरे धनिया की चटनी ली है, इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च दो तीन जबे लहसुन के और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पीस लिया था। और ये ऊपर से गार्निश करने के लिए इस पर मैंने जीरे का पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये मैंने काला नमक लिया है। सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को ग्रेट करने से इनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है टिक्की का, और वो बिल्कुल स्मूथ बनती है। आप चाहें तो इसको हाथों से मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। अब हम अपने ग्रेट किए हुए आलूओं में कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से आलू की टिक्की की बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं। अब हम इनको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये मिक्स करते टाइम आपके हाथों में बहुत चिपक रहे हैं आलू, तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लें और फिर डो तैयार करें। ये देखिए, हमारे आलूओं का मिक्सचर तैयार है और अब हम इसकी टिक्की तैयार करेंगे। आलू की टिक्की बनाने के लिए हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे, जिससे आलू हाथ में नहीं चिपके। और अब हम एक मीडियम साइज़ की टिक्की तैयार करेंगे। पहले हम इसकी इस तरह से बॉल बना लेंगे और फिर इसको हम अपनी हथेलियों से इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसको टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी टिक्की तैयार है। आप बड़े साइज़ की टिक्की भी तैयार कर सकते हैं, जैसा साइज़ आपको पसंद हो वैसी टिक्की आप तैयार कर लें। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की टिक्की तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें एक एक करके आलू की टिक्की ऐड करते जाएंगे। डेढ़ से 2 मिनट तक एक साइड से सिकने के बाद हम इसको फ्लिप करना स्टार्ट कर देंगे। हम इसको दोनों साइड से गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेकेंगे। हमारी टिक्की दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से आलू की टिक्की तैयार है और अब हम इसकी चाट बनाएंगे। हम सबसे पहले इस पर दही डालेंगे। इसमें हम गाढ़ा दही का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दही को स्ट्रेन कर लें, जिससे कि उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब हम इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए है तो। और अब हम इस पर हरे धनिया की चटनी डालेंगे, जो हमने ताज़ी बनाई है। इन तीनों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब हम इस पर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। ये लीजिए, तैयार है हमारी आलू टिक्की चाट। हमारी बेहतरीन आलू टिक्की चाट तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।